आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन के बारे में। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है, तो यूरिन की जब फॉर्मेशन होता है वहां पे फिल्ट्रेशन के टाइम पर कितना फिल्ट्रेट बनता है उसको हम बोलते हैं GFR। इसके बारे में हमने बात की थी, GFR क्या होता है, कि कितना अमाउंट है जो फिल्ट्रेट का बनता है, कहाँ पर बनता है, इन द वॉमिन कैप्सूल, उसको बोलते हैं GFR। हमने बात की थी नॉर्मल GFR कितना होता है, 125 ml होता है पर मिनट, बात की थी हमने इसके बारे में। तो हमने कहा था कि जो किडनी होती है उसके पास एक मैकेनिज्म होता है जिसकी हेल्प से वो क्या कर सकता है, GFR को मेंटेन कर सकता है। तो आज हम उसके बारे में ही बात करने वाले हैं कि वो कौन सा मैकेनिज्म है, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, फिर सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको कुछ ऐसे, तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, लेकिन आज मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, या एक मिनट आप मुझे टाइम दो, मैं आपको डायग्राम ही दिखा देती हूँ एक मिनट, जिसकी हेल्प से आपको थोड़ा क्लियर हो जाए चीजों के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है अभी आपको मतलब हाइपोथैलेमस, ब्रेन, इन सब के बारे में तो नहीं पता होगा। एक मिनट बस, आप मुझे एक मिनट का टाइम दीजिए। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार यहाँ पे ना ब्रेन का डायग्राम दिखा रही हूँ, प्लीज आप उसको समझने की कोशिश करना। आप सबको ब्रेन की स्लाइड विजिबल है, जहां पर ब्रेन लिखा गया है, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, सेरेबेलम, ये चीजें आपको विजिबल है, ओके। तो देखिए अभी मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाहती हूँ कि जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन कैसे ना तीन पोर्शन होते हैं, एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हाइंड ब्रेन। ये जो फोर ब्रेन है इसके अंदर पोर्शन आते हैं, एक तो ये वाला सेरेब्रम, देन आता है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के ऊपर यहाँ पे आता है थैलेमस पोर्शन, यहाँ पे मेंशन नहीं है। ये हमारे पास फोर ब्रेन का पार्ट होता है। इसके अलावा हमारे पास हाइंड ब्रेन के तीन पोर्शन आते हैं, एक ये वाला जो आप कॉइल्ड पोर्शन देख पा रहे हो, इसको बोलते हैं सेरेबेलम, ये वाला पोर्शन, एक इसको बोलते हैं पॉन्स, और इसके नीचे ये वाला पोर्शन होता है, इसको बोलते हैं मेड्यूला। तो ये हाइंड ब्रेन के पार्ट है, सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला। तो फोर ब्रेन एंड जो हमारा हाइंड ब्रेन है इसको बीच में कनेक्ट करके रखता है, यहाँ पे होता है मिड ब्रेन। लेकिन अभी मेरा आपको यहाँ पे, अभी मुझे आपको यहाँ पे क्या चीज बतानी, मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ कि जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का पार्ट है, और इस ध्यान से देखिए, इस हाइपोथैलेमस के नीचे एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। नाम तो आपने इसके बारे में पक्का सुना ही होगा 10th में भी, कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे ही कौन प्रेजेंट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब थोड़ा सा मैं आपको इधर और दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पे एक्चुअली जो मैं डायग्राम दिखा पा रही हूँ, दिखा रही हूँ आपको, ये हमारे पास ब्रेन का ही डायग्राम है, जो हमारा हाइपोथैलेमस है, देखो ये प्लीज नोटिस कीजिए। अब यहाँ पे ओनली मैं ब्रेन का हाइपोथैलेमिक रीजन दिखा रही हूँ, ये वाला जो फोर ब्रेन का पार्ट है। अब हमारा जो हाइपोथैलेमस है और उसके नीचे कौन प्रेजेंट है, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के टू लोब होते हैं, एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी। अब ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इसको कौन कंट्रोल करता है, ये देखिए, ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है,
हाइपोथैलेमस से देखिए यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स है, ये जो आप देख पा रहे हो ये न्यूरॉन है। आई होप आपको थोड़ा बहुत न्यूरॉन का फंक्शन पता होगा कि ये इम्पल्स मतलब इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं, मैसेज का ट्रांसफर करते हैं। तो हाइपोथैलेमस से जो न्यूरॉन आ रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पे देखिए जो एंटीरियर पिट्यूटरी है इसके साथ वो कनेक्टेड है, बट किसके थ्रू कनेक्टेड है, विद द हेल्प ऑफ द पोर्टल वेसल। यहाँ पे ब्लड वेसल आता है, इस ब्लड वेसल की हेल्प से हमारा हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। लेकिन जो हमारा ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है ना, इसको हमारा हाइपोथैलेमस डायरेक्ट कंट्रोल करता है, डायरेक्ट न्यूरॉन यहाँ पे जाते हैं। अभी आपको इस स्लाइड में नहीं नजर आ रहा है लेकिन मैं आपको नेक्स्ट एक मिनट, आप ये वाला डायग्राम देख सकते हो, ये हमारे पास ना एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। जब आप केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करोगे तो देखिए ये वाला पोर्शन, ये ग्रे वाला पोर्शन है हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस ये नीचे जो ये वाला पोर्शन है ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी है आगे वाला लोब और पीछे वाला है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो हमारे हाइपोथैलेमस से देखिए न्यूरॉन आ रहे हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डायरेक्ट जा रहे हैं, वो इसको डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी है यहाँ पे हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन इसके साथ भी कनेक्टेड है, लेकिन बीच में कौन आ जाता है, पोर्टल सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स आ जाते हैं जो उसको कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। अब अभी हम इसके बारे में यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज वो है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये हमारा जो हाइपोथैलेमस है, ऐसे तो यहाँ से बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं लेकिन अभी मैं यहाँ पे ओनली दो हार्मोन के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। हाइपोथैलेमस से टू हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं जिनका नाम है, एक का नाम है ADH। व्हाट इज ADH? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, नोट कर लो क्या नाम है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका एग्जाम्पल है वैसोप्रेसिन। एंड सेकेंड, हाइपोथैलेमस में एक पहला हार्मोन तो ADH बनता है, इसके अलावा सेकेंड हार्मोन यहाँ पे बनता है ऑक्सीटोसिन। तो ये दो हार्मोन है ADH और ऑक्सीटोसिन जो हमारे कहाँ पे बन रहे हैं, हाइपोथैलेमस में बन रहे हैं। बनने के बाद ही क्या करता है, इन सारे हार्मोन को पोस्टीरियर पिट्यूटरी को दे देता है, यहाँ पे रिलीज हो जाता है। अब इनका काम, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जो ADH होता है एंटी डायबिटिक हार्मोन, ये हमारे किडनी में जाकर एक्ट करता है। एंड ऑक्सीटोसिन जो होता है ना, ऑक्सीटोसिन एक तो जो वुमेन होती है, प्रेग्नेंट वुमेन, उनके मेमरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है मिल्क को इजेक्ट करने के लिए। इसके अलावा इसका काम होता है ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन होता है कि जब एक बेबी की डिलीवरी हो रही होती है तो उस टाइम पे जब बेबी बाहर निकलने वाला होता है ना, उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन वहां पे रिलीज होता है ताकि वो उधर मसल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन करवा सके। इसीलिए ऑक्सीटोसिन को हम ना बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जब बर्थ हो रहा होता है उस टाइम पे क्या होता है, ये रिलीज होता है और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं आपको यहाँ पे क्या चीज बताना चाहती हूँ कि हमारा जो ये ADH और जो ऑक्सीटोसिन है, ये दो हार्मोन ऐसे हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहे हैं, लेकिन प्लीज ध्यान रखना ओनली रिलीज हो रहे हैं लेकिन बन नहीं रहे हैं। यहाँ पे बनाने वाला काम कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस ही कर रहा है। ADH एंड ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस में बनता है ऊपर, लेकिन इसका सिक्रीशन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। आई होप आपको इतनी बातें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अभी मुझे आपको इतना सा यहाँ पे थोड़ी चीजें बतानी थी, क्योंकि अभी जो मैं करने वाली हूँ थोड़ा सा यहाँ पे लिंक है। अब हम यहाँ पे अपनी रेगुलेशन पे आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए आप जो ये डायग्राम इधर देख पा रहे हो, यहाँ पे सबसे पहला डायग्राम यहाँ पे ये वाला है ADH वाला। यहाँ पे क्या लिखा है, ADH क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कहाँ बन रहा है, इज मेड इन द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में वो बन रहा है, लेकिन आगे लाइन क्या बोल रहा है, रिलीज बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। लेकिन रिलीज कौन करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी करती है, और इसका फंक्शन कहां पे होता है, वाटर को रीअब्सॉर्ब करने में इसका फंक्शन देखा गया है। आप सबको पता है इसका भी एक रोल होता है हमारे यूरिन को कंसेंट्रेटेड बनाना।
अब इसके अलावा जो बाकी का मैकेनिज्म है वो मैं आपको यहाँ पे करवा दूँ, एक मिनट। जैसे अब ये वाला डायग्राम प्लीज ध्यान से देखना, जब हमने यूरिन फॉर्मेशन की बात की थी, एक बार दोबारा वो डायग्राम दिखा देती हूँ अगर आप भूल चुके हो तो। जब हमने देखिए यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन किया था, हमने कहा था कि यूरिन फॉर्मेशन में तीन स्टेप आते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है फिल्ट्रेशन का, सेकेंड स्टेप होता है रीअब्सॉर्प्शन का, एंड थर्ड स्टेप होता है सिक्रीशन का। जो सबसे पहला स्टेप है फिल्ट्रेशन का, इसमें क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरी है यहाँ पे ब्लड आता है और ब्लड फिल्टर होता है। जब ब्लड फिल्टर होता है वो कहाँ पे आ जाता है, हमारे पास गोमेन कैप्सूल में। अब यहाँ पे फिल्टर होने के बाद कितना अमाउंट हमें मिला उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट क्या होता है, कितना ब्लड यहाँ पे फिल्टर होके आया। अब कितना फिल्ट्रेट आता है, एक हमने टर्म पढ़ी थी GFR। GFR क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो हमें क्या बताता है कि कितना अमाउंट है जो फिल्ट्रेट का बना है बाय द किडनी इन वन मिनट। इसी के बारे में बात की थी हमने कि वन मिनट में हमारी जो किडनी है वो कितना GFR बना रही, कितना फिल्ट्रेट वहां पे बना रही है, उसको बोलते हैं GFR। यहाँ पे एक बार प्लीज डेफिनेशन भी देख लो, GFR क्या था, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एंड हमने कहा था हेल्दी इंडिविजुअल का GFR कितना होता है, 125 ml होता है पर मिनट, और डेज की बात करें तो 180 liter होता है पर डे। अब हमने उस दिन ये इसके बारे में बात की थी कि जो हमारी किडनी है इसके पास क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है जिसकी हेल्प से ये GFR को रेगुलेट कर सकता है, और एक एफिशिएंट मैकेनिज्म का नाम है, उसको कौन करवाता है, JGA करवाता है, बड़े JGA, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। और ये जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है ये किस किस से बनता है, याद आ रहा आपको, हमने कहा था कि जो हमारा डिस्टल टिब्यूल है, यहाँ पे देख लो ये वाला पोर्शन, ये हमारा DCT है। जब DCT एफरेंट आर्टरियोल को पास करता है एक फॉक पे, तो इस रीजन को बोलते हैं JGA, क्योंकि इसके पास एक सेंसिटिव रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं JG सेल, और JG सेल से एक हार्मोन रिलीज होता है जिस हार्मोन का नाम है रेनिन, जो क्या करता है GFR के रेट को नॉर्मल कर देता है अगर GF हमारा डाउन हो गया है तो। तो हमने कहा था कि हमारी किडनी के पास एक एफिशिएंट मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं GGA। GGA क्या होता है, एक सेंसिटिव एरिया होता है जो DCT से बनता है और एफरेंट आर्टरी से बनता है जहां पर वो कॉन्टेक्ट में आते हैं। जब भी हमारा GFR डाउन जाता है, मतलब 125 ml से डाउन चला गया है, तो क्या होता है, JG सेल क्या रिलीज करते हैं, रेनिन हार्मोन रिलीज करते हैं, और रेनिन की वजह से क्या होता है, हमारा पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे नॉर्मल आ जाता है। सॉरी अमनजूत, कौन पूछ रहा है, ओके ठीक है ठीक है, ओ ठीक है मंजू, ओके एक मिनट। तो अभी मैंने आपको कहा कि अगर हमारा GFR डाउन जाता है, तो GFR डाउन होने की वजह से क्या होता है, JG सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, एंड एक्टिवेट होने पे वो क्या रिलीज करते हैं, रेनिन रिलीज करते हैं, और रेनिन जब रिलीज होता है तो वो क्या करता है, GFR को नॉर्मल लेकर आ जाता है। तो प्लीज आपको, आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर, आज हम शुरू क्या कर रहे हैं, इस GFR को नॉर्मल कैसे करेंगे अगर वो कम हो गया है तो, अगर GFR का रेट क्या हो गया, डाउन हो गया। अब आपको सोचो से ब्लड आ रहा है वहां पे ग्लोमेरुलस के पास, GFR डाउन कब होगा, जब ब्लड प्रेशर लो हो गया, अगर जितना नॉर्मली ब्लड प्रेशर है उतना नहीं, अगर उससे कम है तभी GFR डाउन होगा ना।
मुझे लगता है कि जो यहाँ पर एक डायग्राम है, इससे आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। बस आप ध्यान से सुनना इस बात को। देखिए, हमारे पास इस मैकेनिज्म का नाम क्या है? इस मैकेनिज्म का नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। प्लीज नोट कर लो, क्या नाम है? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। इसको हम रास भी बोलते हैं। क्या नाम है इसका? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जो क्या करता है, हमारे किडनी के मैकेनिज्म को रेगुलेट करता है। अब यहां पर देखिए, मान लेते हैं ब्लड प्रेशर डाउन हो गया है। सबसे पहला केस, ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर डाउन होने की वजह से क्या होगा? सबको पता है कि अगर ब्लड प्रेशर डाउन हो गया तो किडनी में भी तो ब्लड ही आ रहा है ना फिल्टर होने के लिए। तो अगर बीपी डाउन हो गया, ब्लड का प्रेशर कम हो गया, तो किडनी के पास भी तो कम ही ब्लड आएगा। अगर किडनी के पास कम ब्लड आया है फिल्टर होने के लिए, तो जो हमें फिल्ट्रेट मिलेगा वो भी कम ही मिलेगा। तो अगर कम मिलेगा तो GFR का रेट डाउन, एंड डाउन होने पे क्या होगा, जो हमारी किडनी के पास मैकेनिज्म है जिसका नाम है JGA, वो क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा। और वहां से क्या रिलीज होगा? वहां से रिलीज होगा रेनिन हार्मोन। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पे यही लिखा है, ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर एंड ड्रॉप इन फ्लूइड वॉल्यूम। मतलब मान लेते हैं कि फ्लूइड का वॉल्यूम, वही बात है कि कम हो गया किसी ना किसी रीजन की वजह से, तो ये जो हमारी किडनी है, किडनी के पास कौन से सेल होते हैं? किडनी के पास होते हैं, नोट कर लीजिए यहाँ पे, JG सेल होते हैं। और वो JG सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और क्या रिलीज करते हैं? रेनिन रिलीज होता है फ्रॉम द किडनी। अब रेनिन किडनी से रिलीज हो गया है, कहाँ पे जाएगा? ब्लड में जाएगा। अब वो ब्लड में जाता है तो ब्लड तो बॉडी के हर एक पार्ट में जाता है। अब जो लीवर होता है हमारा, लीवर के पास एक हमारे पास एंजाइम होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। अब ये नॉर्मली क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इनएक्टिव होता है। लेकिन जैसे ही उसको ब्लड में रेनिन मिलता है, एंजियोटेंसिनोजन क्या होता है? एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव का मतलब है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है? एंजियोटेंसिन 1 में। लीवर में क्या प्रेजेंट था? एंजियोटेंसिनोजन। एंड जब हमारी किडनी से रेनिन रिलीज हुआ, तो इसकी वजह से एंजियोटेंसिनोजन किस में कन्वर्ट हो गया? एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो गया। तो रेनिन एक्ट करता है किसके ऊपर? एंजियोटेंसिनोजन के ऊपर। कहां पे? इन द लीवर। और क्या फॉर्म कर देता है? एंजियोटेंसिन 1। अब ये जो एंजियोटेंसिन 1 है, ये भी हमारे ब्लड में जाता है। अब ब्लड में ट्रेवल कर रहा है, अब बात आती है हमारे लंग्स की। जो हमारे लंग्स होते हैं उसके पास भी एक एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम है एस। क्या नाम है एंजाइम का? एस। बट एस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ये लीवर से रिलीज हो रहा, सॉरी फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से रिलीज हो रहा है। एंड जैसे ही लंग्स से रिलीज हुआ, इन्होंने क्या काम किया? एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो एस कहां पे एक्ट कर रहा है? एंजियोटेंसिन 1 के ऊपर। और क्या चीज बना रहा है? एंजियोटेंसिन 2 बना रहा है। अब बस एक बार अगर एंजियोटेंसिन 2 बन गया ना, हमारा सारा काम खत्म है, सारा काम, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। पहली बात तो ये, जो हमारा एंजियोटेंसिन 2 होता है ना, इट इज अ वेरी पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। क्या होता है ये? वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, मतलब जो हमारे वेसल्स होते हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, उसका डायामीटर छोटा कर रहा है। यहां पे देखिए, ये पहले वाला किस देखो आप, ये वाला जो हमारा ब्लड वेसल है, इसका ल्यूमन देखो यहाँ पे कितना ज्यादा ब्रॉड है। और यहाँ पे देखो इसका ल्यूमन यहाँ पे क्या हो चुका है? ल्यूमन यहाँ पे इसका नैरो हो गया है, और यहाँ पे इसका काफी ज्यादा ब्रॉड है। तो जिसका ल्यूमन काफी ब्रॉड होता है, इस तरह के वेसल को हम बोलते हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वेसो डायलेशन है, डायलेटेड है ये, मतलब पूरा एकदम काफी अच्छा खास इसका ल्यूमन है। और इसका जिसका ल्यूमन छोटा है, इसको बोलते हैं कि हमारा वेसल क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है। तो ये क्या करता है कि ये जो एंजियोटेंसिन 2 है,
जो एंजियोटेंसिन 2 है ये क्या काम करता है, हमारे जो ब्लड वेसल है उसमें वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देता है, जो इतना ब्रॉड था जिसका ल्यूमन उसको उसने नैरो कर दिया, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा दी। अब आप सबको पता है कि अगर हम नॉर्मली भी कोई पाइप लेते हैं ना, आप कभी करके देख लेना, एक आप एकदम पूरी आप बड़ी वाली पाइप ले लो, उसमें आप किसी पानी को फ्लो करवाना, और एक वो लेना जिसका ल्यूमन बहुत छोटा है, आप देख लेना दोनों में प्रेशर किसमें ज्यादा हाई होगा। ऐसे एक बहुत ही कॉमन सेंस है, आप कॉमन सेंस से आंसर दे सकते हो कि जिसका ल्यूमन छोटा होगा इसके अंदर ब्लड का प्रेशर काफी ज्यादा हाई होगा, और इसका ल्यूमन काफी बड़ा है उसके अंदर ब्लड का प्रेशर क्या होगा, लो होगा कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में। तो ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, इस एंजियोटेंसिन 2 ने क्या काम किया, हमारे ब्लड वेसल के अंदर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा दी। अब जैसे ही वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अब अगर ब्लड का प्रेशर हाई हो गया है तो ज्यादा ब्लड किडनी में आएगा, और अगर ज्यादा ब्लड किडनी में आएगा तो ज्यादा जीएफआर बनेगा, मतलब नॉर्मल जीएफआर बनेगा। समझ आ गया आपको? तो यही था हमारे पास की रेनिन के रिलीज होने की वजह से क्या क्या चीजें होती है। अब इसके अलावा ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर भी एक्ट करता है। अब ये भी हम काफी बार कर चुके हैं कि जो हमारी किडनी है, ऐसे मैं आपको दिखाई देती हूँ ताकि आपको कोई भी इसमें डाउट ना रहे। एक मिनट, देखिए जो हमारी किडनी होती है, किडनी के ऊपर एक हमारे पास ये दिख रहा है आपको, एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इस ग्लैंड को बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। अब ये जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड है इसको देखो मैंने बाहर निकाल दिया यहाँ पे, तो जब हमने इसको बाहर निकाला हम क्या देखते हैं कि जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके भी टू पोर्शन होते हैं। एक होता है ये आउटर वाला पोर्शन जिसको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, एक इसका इनर वाला पोर्शन होता है इसको हम एड्रिनल मेडुला बोलते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट है, आउटर वाले को बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स और इनर वाले को बोलते हैं एड्रिनल मेडुला। अब ये जो हमारा, एक बार दोबारा आप यहाँ पे देख लो, ये एड्रिनल ग्लैंड है इसका बाहर वाले पोर्शन को कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर वाले को मेडुला बोलते हैं। अब ये हमारा जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स वाला पोर्शन, ध्यान देना ये एड्रिनल ग्लैंड ही है, बाहर वाला कॉर्टेक्स है और इनर वाला मेडुला है। अब जो हमारा कॉर्टेक्स वाला रीजन है इसके पास टोटल 3 लेयर होती है, 3 लेयर का नाम है GFR, आउटर मोस्ट होती है उसका नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा, सेकंड वाली का नाम है जोना फेसिकुलेटा, और सबसे इनर मोस्ट का नाम है जोना रेटिकुलेरिस। अभी आपको इनके नेम लर्न करने की जरूरत नहीं है, जब चैप्टर करेंगे तब कर लें। बस मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहती हूँ कि जो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स है इसकी ये जो जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर होती है ना, यहां से हॉर्मोन रिलीज होता है, उस हॉर्मोन का नाम है एल्डोस्टेरोन। और ये एल्डोस्टेरोन कैसा हॉर्मोन है, इट इज अ मिनरल कॉर्टिकॉइड। कैसा हॉर्मोन इसको बोलते हैं, मिनरल कॉर्टिकॉइड। इसका मतलब क्या है, ये क्या कर रहा है, जो एल्डोस्टेरोन है ये हमारे फ्लूइड के अंदर, जो हमारे बॉडी फ्लूइड होते हैं वहां पे मिनरल्स के लेवल को रेगुलेट करते हैं, जैसे सोडियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, प्रोटॉन्स हो गए, इन सब के लेवल को मेंटेन करने का काम हमारे बॉडी फ्लूइड में कौन करता है, एल्डोस्टेरोन करता है। तो एल्डोस्टेरोन हमारे एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टिकल पोर्शन मतलब कॉर्टेक्स से अराइज होता है, जो क्या है, एक मिनरल कॉर्टिकॉइड है। अब ये एल्डोस्टेरोन कैसे कैसे काम कर रहा है वहां पे, इसका लिंक कैसे है, तो एक बार इसको देखिए। अभी हमने यहाँ पे कहा कि जो हमारा ये एंजियोटेंसिन 2 है, एक तो ये डायरेक्ट हमारे ब्लड वेसल पे जाके एक्ट कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, उसको नैरो कर रहा है, नैरो करने की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। इसके अलावा ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर भी एक्ट करता है, बट एड्रिनल ग्लैंड के कौन से वाले पोर्शन पे करता है, बाहर वाले पे, जिसको बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स। और उस कॉर्टेक्स पे जाकर एंजियोटेंसिन 2 क्या करवाता है,
रिलीज करवाता है क्या, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है। और एल्डोस्टेरोन क्या है, एल्डोस्टेरोन एक कैसा हार्मोन है, इट इज अ मिनरल कॉर्टिकॉइड। अब ये रिलीज तो हो गया, अभी क्या कर रहा है, अब ये हमारी किडनी के ऊपर जाता है और वहां पे वाटर एंड सोडियम क्लोराइड के लेवल को रीअब्सॉर्ब करने में हेल्प कर देता है। अब आप खुद ही सोचो, अगर सोडियम क्लोराइड एंड वाटर अगर हमारे ब्लड के अंदर एंटर हो रहे हैं तो भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली रीअब्सॉर्प्शन, मतलब रीअब्सॉर्प्शन को इंक्रीज कर रहा है, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर अभी भी किसी को वो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे ये वाला पोर्शन देख सकते हो। ये देखिए जो हमारा ये डीसीटी वाला पोर्शन है, यहाँ पे NaCl एंड वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है। अभी रीअब्सॉर्ब होके जा कहाँ रहा है, हमारे ब्लड वेसल के अंदर ही तो जा रहा है। अगर हमारे ब्लड वेसल में NaCl एंड वाटर ज्यादा जाएंगे तो वो बीपी को हाई करेंगे ना, ब्लड के प्रेशर को बढ़ाएंगे अगर पानी जाएगा तो हमारा ये जो एल्डोस्टेरोन है ये किडनी में जाके सोडियम क्लोराइड एंड वाटर के रीअब्सॉर्प्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो ये भी वहां पे GFR को इंक्रीज ही कर रहा है, लेकिन हमारे पास ये जो एल्डोस्टेरोन है इसको रिलीज करवाने वाला, इसको स्टिमुलेट करवाने वाला कौन है, एंजियोटेंसिन 2 है। तो यहाँ पे भी वही चीज लिखी गई है कि एल्डोस्टेरोन हमारी किडनी पे जाके एक्ट करता है और किसका रीअब्सॉर्प्शन करवाता है, सॉल्ट सोडियम क्लोराइड का एंड वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करवाता है। तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो क्या हो जाएगा, GFR नॉर्मल हो जाएगा। अब आप एक डायग्राम यहाँ पे और देख लो, एक्टिव पैसिव तरीके से वही सारे डायग्राम है, बस आपको ये लर्न हो जाना चाहिए आज पूरा, क्योंकि मुझे लगता नहीं इसमें कुछ भी डिफिकल्ट वाली बात है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, वन बाय वन दोबारा देख लो, ये कह रहे हैं कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया, सबसे पहला फेज, अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली बात है GFR डाउन होगा ही होगा, बीपी के डाउन होने की वजह से GFR का रेट क्या चला जाएगा, डाउन चला जाएगा। अगर GFR डाउन हो गया तो किडनी में कौन एक्टिवेट हो जाएगा, JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस एक्टिवेट हो जाएगा और वहां से क्या रिलीज करवाएगा, हार्मोन रेनिन को वो रिलीज करवाएगा। अगर एक बार रेनिन रिलीज हो गया तो रेनिन क्या करेगा, लीवर में जो एंजियोटेंसिनोजन है उसको एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जब हमारा एंजियोटेंसिनोजन 1 में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद 1 वाला 2 में कन्वर्ट हो जाएगा किसकी हेल्प से, विकल्प ऑफ एस, व्हाट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो लंग्स में प्रेजेंट होता है। अब जब एक बार 2 कन्वर्ट हो गया, 2 मिल गया, तो 2 की वजह से क्या होगा, 2 पहली बात तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। सेकंड, वो हमारे एडिनल कॉर्टेक्स के ऊपर काम करेगा, इस बाहर वाले पे, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स से क्या रिलीज करवाएगा, एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज द वाटर रीअब्सॉर्प्शन, वाटर के रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ा रहा है एंड डिक्रीज कर रहा है यूरिन का वॉल्यूम। ऑब्वियसली बात है, अगर वाटर सारा रीअब्सॉर्ब हो गया तो यूरिन का वॉल्यूम डाउन ही होने वाला है, तो इंक्रीज हो जाएगा बी। ये भी वही डायग्राम है जो भी हमने किया। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में यहाँ पर आ गई होगी। लास्ट डायग्राम देख लो, ये भी वही वाली सारी बातें एक्टिव पैसिव तरीके से वही है। अगर ब्लड प्रेशर फॉल करता है, अगर ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, डाउन हो गया है, तो पहला स्टेप क्या है, किडनी रेनिन रिलीज करेगी, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को 1 में कन्वर्ट कर देगी, 1-2 में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एस। 2 क्या करेगा, एक तो इस एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करेगा जहां से एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा, सेकंड वो ब्लड प्रेशर को हाई करेगा विद द हेल्प ऑफ कैसे, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करके। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड प्रेशर यहाँ पे हाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये वाला डायग्राम भी वही था, मैंने कहा सोचा था कि बाद में आपको करवाऊंगी, तो प्लीज एक बार इस डायग्राम को ध्यानपूर्वक देख लो। ADH जो है थायरॉइड हार्मोन हमारे हाइपोथैलेमस में बन रहा है, लेकिन उसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करवाती है, एंजियो लीवर के अंदर बनता है, एल्डोस्टेरोन कौन प्रोड्यूस करता है, एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, और किडनी रेनिन कौन प्रोड्यूस करवाता है, किडनी प्रोड्यूस करवाती है। तो प्लीज यहां पर देख लो पूरे सिस्टम का नाम क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। मैंने कहा था इसको हम RAS भी बोलते हैं, RAAS,
आर फॉर रेनिन, ए फॉर एंजियोटेंसिन, ए फॉर एल्डोस्टेरोन, एस फॉर सिस्टम, जो इंक्रीज करता है ब्लड वॉल्यूम को एंड ब्लड के प्रेशर को। तो प्लीज देख लीजिए एक बार, डायग्राम वही वाले हैं, आई होप अब आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। कि एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ रेनिन, 1-2 में कन्वर्ट हो गया। 2 का एक तो डायरेक्ट इफेक्ट मिलता है हमें, डायरेक्ट इफेक्ट का भी मिलता है कि ये ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज करता है। कैसे? आर्टरी को क्या कर देता है, कॉन्स्ट्रिक्ट, उसके अंदर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। तो हमारा जो GFR जो डाउन हुआ था वो क्या होता है, नॉर्मल आ जाता है। और इंक्रीज द थर्स्ट, मतलब इसका कहने का मतलब है कि सॉल्ट रिटेंशन करता है, सॉल्ट हमारी बॉडी में रीअब्सॉर्ब करता है। इसके साथ साथ क्या होता है, हमें ना प्यास भी लगना शुरू हो जाता है। तो जब प्यास लगी, हम पानी पियेंगे, तो पानी पीने से क्या होगा, GFR नॉर्मल आ जाएगा। इसके अलावा ये एल्डोस्टेरोन भी रिलीज करवाता है किडनी से, सॉरी एड्रिनल ग्लैंड से, जो क्या करवाता है, नेफ्रॉन का जो BCT वाला पार्ट होता है, BCT में क्या चीजें रीअब्सॉर्ब हो जाती है, मोर सोडियम एंड मोर वाटर, जो BP को इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा ये जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है ना, इसके ऊपर भी काम करता है। कहने का मतलब ये है कि एंटी डायरेटिक हार्मोन भी तो BCT के ऊपर ही काम करता है ना, वो भी तो वाटर के मतलब BP को बढ़ाने का काम करेगा। अगर वो ज्यादा रिलीज होगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन तभी रिलीज होता है जब हमें ज्यादा पानी अब्सॉर्ब करना है। तो ये भी आर्टरीज को क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें इधर समझ में आ गई। तो अब तक हमारी सारी की सारी स्टोरीज के ऊपर थी कि हम जो एक बार हमारा GFR डाउन हो गया है, उसको हम यहाँ पे हाई कैसे करें। अभी इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि चलो ठीक है, अब हाई हो गया है, पहले डाउन था, डाउन से हमने इसको हाई कर दिया। लेकिन सोचो अगर वो हद से ज्यादा ही हाई हो जाए, इसको हमें थोड़ा नॉर्मल भी तो लेकर आना है ना। ऐसा नहीं ना कि एक से ज्यादा बिल्कुल ब्लड प्रेशर हाई कर देना है, हमें तो नॉर्मल चाहिए। तो कोई ना कोई उसको डाउन करने वाला भी होना चाहिए। तो डाउन करने के लिए हमारे पास होंगे ना एक ही हार्मोन होता है जिसका नाम है ANF, जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। यही ओनली ब्लड के प्रेशर को डाउन करता है, बाकी सारे ब्लड के प्रेशर को हाई करने वाले। अभी आगे बता दूंगी आपको, पहले एक बार एक काम करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको कोई भी इधर डाउट ना रहे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी is efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanism. हमारे hormones control करते हैं, जिसमें क्या क्या चीजें चली आती, involving the hypothalamus आता है, JG आता है, juxtaglomerular apparatus and to certain extent the heart भी आता है। Osmoreceptor in the body are activated by change in blood volume. अब what is osmoreceptor? रिसेप्टर मतलब रिसीव करेगा, ऑस्मो मतलब रिलेटेड टू वाटर। वाटर का लेवल कम ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए हमारी बॉडी में क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट कब होते हैं, जब ब्लड का वॉल्यूम क्या होता है, चेंज हो जाता है। या ब्लड का वॉल्यूम चेंज हो गया है, बॉडी का फ्लूइड चेंज हो गया है, या आयन की कंसंट्रेशन चेंज होगी, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज इस लाइन को नोट कीजिए कि हमारी बॉडी में जो ऑस्मोरिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ये कब कब एक्टिवेट होते हैं, नोट कीजिए। पहला, जब ब्लड का वॉल्यूम चेंज हुआ, इसके अलावा जब बॉडी का फ्लूइड चेंज हुआ, और जब आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई। इन तीनों के चेंज होने की वजह से ऑस्मोरिसेप्टर क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। अब थर्ड लाइन बोल रहा है, एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड, ज्यादा ही लॉस हो जाए फ्लूइड का फ्रॉम द बॉडी, तो वो किसको एक्टिवेट कर देता है, दीज रिसेप्टर को। आप खुद ही सोचो, फ्लूइड का लॉस हो गया तो BP में पक्का लो होना ही होना, ब्लड प्रेशर पक्का डाउन जाएगा। अब अगर लॉस हो गया फ्लूइड का बॉडी से, रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, जब रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो किसको स्टिमुलेट करते हैं, हमारे हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करते हैं। क्या रिलीज करवाओ, एंटी डायबिटिक हार्मोन, जिसका एग्जाम्पल है वैसोप्रेसिन। कहां से करवाओ, फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ही न्यूरोहाइपोफाइसिस बोलते हैं। प्लीज नोट कर लीजिए यहाँ पे, जो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है उसी को ही बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। अभी भी मैंने आपको यही बताया था कि हाइपोथैलेमस में एंटी डायबिटिक हार्मोन बनता है,
लेकिन रिलीज कहां से होता है? फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इन्होंने साफ साफ यहाँ पर यही कहा कि जब हमारी बॉडी से एक्सेसिव फ्लूइड का लॉस हो गया तो हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे वो हमारे हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे। क्या रिलीज करवाओ? ADH, एंटी डायबिटिक हार्मोन, फॉर एग्जाम्पल वैसोप्रेसिन। कहां से करवाओ? फ्रॉम द न्यूरो हाइपोफाइसिस, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से करवाओ। अब ADH क्या काम कर रहा है? ADH क्या करता है? फैसिलिटेट द वाटरी एब्जॉर्प्शन, वो वाटर के रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ा देगा। कहां से बढ़ाएगा? लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल, मतलब कौन सा पार्ट? DCT एंड हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, वहां से वाटर के रीअब्सॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा। और क्या प्रिवेंट करेगा? डायूरेसिस, मतलब यूरिन के पास को, मतलब यूरिन में जो हम यूरिन पास करते हैं उसमें वाटर भी तो होता है, उसको प्रिवेंट करेगा कि वो ना हो। कौन? ADH। तो ध्यान रखना प्लीज, ADH वाटर के रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ा देता है। रीअब्सॉर्प्शन कहां पे होता है? ब्लड वेसल में होता है। जब इंक्रीज हो जाता है बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज का मतलब एकदम नॉर्मल हो गया, तो हमारे ऑस्मोरिसेप्टर क्या होते हैं? स्विच ऑफ, बस अब ऑफ हो गया स्विच। एंड ये सप्रेस कर देता है किसको? ADH को। एक मिनट, सॉरी ये पेन नहीं चल रहा, एक मिनट। तो उसके बाद क्या होगा? जब बॉडी के फ्लूइड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो ऑस्मोरिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाएंगे एंड वो सप्रेस कर देगा ADH को कि अब आप रिलीज ना करवाओ ADH। और हमारा फीडबैक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला केस तो भी हमने यहाँ पे ADH के बारे में पढ़ा कि ADH कैसे कैसे काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए अब ADH और क्या क्या करता है। एक मिनट, सेकंड देखिए यहां पे क्या है। जो ADH है कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूटरी इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल। मैंने आपको बताया था कि ब्लड वेसल को नैरो कर दो तो भी ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो किडनी ADH ये भी करता है। जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनको उसके अंदर क्या कर देता है? कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है। अब जैसे ही इंक्रीज हो जाएगा ब्लड प्रेशर, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा? GFR बढ़ जाएगा, इंक्रीज द मतलब ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड का जो फ्लो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर ग्लोमेरुलस के पास ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो उसके बाद GFR मतलब फिल्ट्रेट कितना बन रहा था वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो JGA है वो प्ले करता है कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। अ फॉल इन GFR, अगर हमारे पास जो ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो है, मतलब ग्लोमेरुलस के पास जो ब्लड का फ्लो आ रहा है, अगर उसके अंदर फॉल हुआ या GFR के अंदर या जो उसका जो ब्लड प्रेशर आ रहा है अगर वो डाउन हुआ या GFR डाउन हुआ, जो मर्जी डाउन हो जाए, तो कौन एक्टिवेट हो जाएगा? JG सेल एक्टिवेट हो जाएंगे। सेल के एक्टिवेट होने की वजह से वो क्या रिलीज करेंगे? रेनिन को रिलीज करेंगे जो कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड, किसके अंदर? एंजियोटेंसिन 1 में एंड फर्दर टू दी एंजियोटेंसिन 2। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी, मुझे लग रहा है आपको इजी लग रहा होगा। इसके अलावा एंजियोटेंसिन 2 क्या है? एक पावरफुल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, मतलब जो ब्लड के वेसो से उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, उसका डायमीटर बिल्कुल कम कर देगा, ल्यूमन छोटा कर देगा एकदम। तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज द GFR, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, दोनों ही वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब इसके अलावा एंजियोटेंसिन 2 यहीं पर ही अपना काम खत्म नहीं कर रहा है, ये एकदम ही चाहता है कि पक्का एकदम नॉर्मल हो जाए सारी की सारी चीजें। तो एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को भी एक्टिवेट करता है कि क्या रिलीज करवाओ? एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाओ। अब ये जो एल्डोस्टेरोन है वो क्या करता है? रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वॉटर, कहां से? डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल का मतलब क्या है? नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं। नेफ्रॉन का कौन सा पोर्शन? DCT, वही होता है ना डिस्टल पार्ट उसका। एंड दिस ऑल्सो लेड टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड GFR। सो दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज द
रास मैकेनिज्म, मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। अब ये सारी बातें अब तक हमने उसके बारे में की है कि अगर डाउन हो जाएगा तो हम क्या क्या करेंगे। बस एनसीईआरटी में छोटी सी दो लाइनें लिखी गई है कि भाई बहुत ही ज्यादा ब्लड फ्लो भी इंक्रीज है, हमें इसको थोड़ा सा नॉर्मल भी करना है, नॉर्मल करना है। अगर हद से बढ़ चुका है तो जो हमारा हार्ट होता है ना, हार्ट से ओनली सिंगल हार्मोन रिलीज होता है जो ब्लड के प्रेशर को डाउन करता है। डाउन करने के लिए ओनली वन है, बाकी सब सारे जो है उसको हाई करने वाले। तो ये कह रहा है हमारे पास इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू द एट्रिया ऑफ द हार्ट। जब ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो हमारे हार्ट की एट्रिया में जाएगा, उसको सेंस कर देगा। तो जो हमारा हार्ट होता है ना, वहां पर भी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर उसको लगेगा कि अगर ब्लड का फ्लो हद से ज्यादा ही इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या रिलीज करवाएगा, वो रिलीज करवाएगा ANF। व्हाट इज ANF? एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर। ANF एक सिंगल ऐसा हार्मोन है जो क्या काम करवाता है, वैसो डायलेशन करवा रहा है, बाकी सारे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहे हैं। ये वैसो डायलेट ब्लड के वेसल को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है उसका ल्यूमन, डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल। अब जैसे ही ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगे तो हमारा ब्लड का प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ANF मैकेनिज्म क्या कर रहा है, ये चेक करता है इस रास सिस्टम के ऊपर जो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म है, ये प्रॉपर ढंग से काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके ऊपर ANF काम करता है। ठीक है, आई होप आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। तो इतना ही था हमारे पास ये मैकेनिज्म जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। एक बार बता दीजिए समझ आया है कि नहीं आया। जो मैंने थ्योरी बोली वो सारी थ्योरी यही वाली है जो मैंने आपको करवा दी थी। बोलिए कोई भी डाउट है आपको, किसी को भी कोई भी डाउट हो। दिव्यम अमनजोत आपको अगर आप लोगों को डाउट नहीं है तो एक काम कीजिए, ये वाला जो यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, मुझे लगता है कि जो भी अभी हमने थ्योरी की है इसमें सब कुछ है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो यहाँ पर मिस हो रहा हो, तो प्लीज आप उसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। बस ओनली यहाँ पे ANF वाला नहीं है, बाकी यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर सारी चीजें हैं। तो प्लीज आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट मैच्योरेशन है फिर डिजीज है उसको मैं आपको क्लियर करवाऊंगी, क्योंकि फिर वो कंप्लीट नहीं होगा अभी। तो आज हमें इतना ही करना है, लेकिन प्लीज आप इसको अच्छे तरीके से करके आना। आप अभी इसको नोट कीजिए ANF वाले को, सॉरी मतलब रास को नोट कीजिए, ANF वाला मैं लिख देती हूँ कि ANF कहाँ से रिलीज होता है। From the atria of the heart. एक ही काम है इसका, क्या करवाता है, वैसो डायलेशन करवाता है, मतलब ब्लड के प्रेशर को डाउन करता है, बाकी सारे हाई करते हैं। तो प्लीज नोट कर लीजिए,